और इसी तरह बाज़ औरतों के पास सोने के जेवरात होते हैं, बल्कि पूरा पूरा एक सेट होता है उनके पास सोने का। तो अगरचे औरतें खुद कमाने वाली नहीं है, लेकिन नकदी रकम कुछ ना कुछ उनके पास मौजूद हुआ करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं? बहुत से लोगों के जहनों में ये बात है कि मर्दों के ऊपर कुर्बानी है, औरतों के ऊपर कुर्बानी नहीं है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह यह है कि जैसे मर्द हजरात साहिबुल निसाब हो तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, इसी तरह औरतें भी अगर साहिबुल निसाब हो तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। बाज़ औरतें तो ये समझती हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कमाने वाले नहीं हैं, कमाने वाले तो मर्द हजरात हैं, तो हमारे घर में जो कमाने वाले लोग हैं वो कुर्बानी कर रहे हैं, उन्होंने कुर्बानी कर ली तो हम सब की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी पूरे घर की तरफ से। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि सही बात यह है कि घर के अंदर जो जो हजरात साहिबुल निसाब हो, ख्वा मर्द हो या औरत हो, उन सब पर कुर्बानी करना लाजिम है। ख्वा अलग अलग कुर्बानी करें या गाय और ऊंट के अंदर हिस्सा डालकर कुर्बानी करें, बहरहाल जिस सूरत में भी कुर्बानी करें उनके लिए अलग अलग कुर्बानी करना लाजिम है। और इसी तरह बाज़ औरतों के पास सोने के जेवरात होते हैं, बल्कि पूरा पूरा एक सेट होता है उनके पास सोने का, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये 7.5 तोला नहीं है तो इस वजह से हमारे ऊपर कुर्बानी नहीं है। शरीयत ने तो 7.5 तोला सोने के ऊपर जो है साहिबुल निसाब कहा है, और हमारे पास 7.5 तोला सोना नहीं है बल्कि ये उससे कम है, तो हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हालांकि ये बात गलत है। अगर आपके सोने के जेवरात 1 तोला भी हो, लेकिन वो आपके पास नकदी रकम अगर कुछ ना कुछ है, तो आप साहिबुल निसाब है, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और आजकल तो हर औरत के पास कुछ ना कुछ नकदी रकम मौजूद होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो माँ बाप दिया करते हैं, और अगर शोहर है तो वो रोज़ाना कुछ ना कुछ जेब खर्च दिया करता है, इसी तरह अगर भाई है तो भाई दिया करता है। तो अगरचे औरतें खुद कमाने वाली नहीं है, लेकिन नकदी रकम कुछ ना कुछ उनके पास मौजूद हुआ करती है। लिहाजा जिन औरत के पास सोने के कुछ ना कुछ जेवरात हैं और उनके पास साथ में नकदी रकम भी मौजूद है, तो साहिबुल निसाब है, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बाज़ औरतें ये समझती है कि ये हमारे इस्तेमाल के जेवरात हैं और इस्तेमाली जेवरात के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होता, इसी तरह ज़कात भी वाजिब नहीं। ये बात गलत है। सही यही है कि जेवरात आपके पास ख्वाह इस्तेमाली हो या गैर इस्तेमाली, अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर उसके रकम पहुँच जाता है तो वो साहिबुल निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब है। इसी तरह अगर साल पूरा है तो उसके ऊपर ज़कात भी वाजिब है। तो ये चंद ज़रूरी मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान किए, क्योंकि बाज़ लोगों के जहनों में ये बातें हुआ करती हैं, वो ये समझते हैं कि औरतें कमाने वाली नहीं है लिहाजा इनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह या औरतों के पास जो सोने के जेवरात हैं वो चूँकि इस्तेमाल में लाती हैं तो इस वजह से वो साहिबुल निसाब नहीं होती है, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। या वो ये समझती है कि हमारे पास अगर सोने के जेवरात है भी तो वो चूँकि 7.5 तोले तक नहीं पहुँचते तो इस वजह से वो साहिबुल निसाब नहीं है। तो ये 3 बातें ऐसी थी जिसमें बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार है। तो मैंने ये सोचा कि ये मसला आपके साथ में शेयर करूँ। तो कुल मिला के खुलासा यही हुआ कि जिन औरतों के पास सोने के जेवरात मौजूद है, अगरचे वो 7.5 तोले सोने से कम है, अगर उसके साथ उसके पास कुछ नकदी रकम भी मौजूद है तो वो साहिबुल निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर साल गुजर गया तो ज़कात भी उसके ऊपर वाजिब है। दूसरी बात यह है कि यही सोने के जो जेवरात आपके पास है, अगर वो इस्तेमाली हो तब भी आपके ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब है, इस्तेमाली हो या गैर इस्तेमाली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात यह है कि बाज़ औरतें जो ये समझती है कि हम कमाने वाले नहीं हैं और हमारे घर में जो कमाने वाले लोग हैं वो उनकी कुर्बानी हमारी तरफ से अदा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि कमाने वाला हो या गैर कमाने वाला, इसमें जो है ये ज़रूरी नहीं है कि जो कमाने वाला है तो उस उनके ऊपर कुर्बानी है और जो कमाने वाला नहीं है तो उनके ऊपर कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी की शरायत में से एक शर्त है कि साहिबुल निसाब हो। तो जो साहिबुल निसाब हो, ख्वाह मर्द हो या औरत, कमाने वाला हो या ना हो, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला अच्छी तरह आपके जहन में बैठ चुका होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।